सलाम नमस्ते सत श्री अकाल खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और रेडियस से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो है किर्गिस्तान के बारे में। इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपके पास पाकिस्तानी या इंडियन पासपोर्ट है तो आप किस तरह जो है ना वो ई वीज़ा लेकर किर्गिस्तान जा सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप किर्गिस्तान जाने के लिए ख्वाहिश रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो अगर आपने हमारा चैनल हसन सियालकोटी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, इंशाल्लाह ताला मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले किर्गिस्तान का जो जोग्राफिया है, जो उसकी लोकेशन है, वो जान लेते हैं। किर्गिस्तान जो चाइना और कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान, ये तीन कंट्री, चार कंट्रियों के साथ आपने जो है ना वो बॉर्डर शेयर करता है। देख लें आप तो एक मुस्लिम कंट्रीज़ है ये, आई थिंक, शायद नहीं है, कंफर्म नहीं है, आई थिंक, मुझे नहीं लगता, आई थिंक कन्फर्म ही है, ये मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान से करीब है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान इसके दरमियान में आता है, फिर आता है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का जो वीज़ा है पाकिस्तानी और इंडियन के लिए वो ई वीज़ा है। वो पहुंचने के बाद आपको 15 दिन का या 30 दिन का जो है ना वो वीज़ा दिया जाता है। तो आपको दिखा देता हूँ, ये देखें किर्गिस्तान ई वीज़ा जो है आपको मिल जाएगा। ये पाकिस्तानी पासपोर्ट की है, ये देख लें ई वीज़ा, और ये इंडियन पासपोर्ट की है ई वीज़ा। तो ये थी इसकी इंफॉर्मेशन कि ई वीज़ा लेने के बाद जो है ना वो आप वहाँ पे इंटर हो सकते हैं। व्यूज़ ये रही किर्गिस्तान की वेबसाइट जिस पे आप जो है ना वो जाकर ई वीज़ा ले सकते हैं। तो आपने इसी तरह अप्लाई फॉर आ वीज़ा, तो ये अप्लाई करना है इस तरह। ये 6 स्टेप होंगे, आपने इनको फिल कर लेना है। आप किस कंट्री से हैं, आपका नाम क्या है, आपके पास पासपोर्ट किसका है, आप जो है ना वो किस तरह जाना सकते हैं, आपकी कंट्री कौन सी है, आपका जो पासपोर्ट है वो ऑर्डिनरी है, उसके बाद वीज़ा टाइप है। तो उसके बाद ये फिल आप नेक्स्ट, फिर आपका नाम पूछेगा, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, ई मेल एड्रेस, उसके बाद आप पेमेंट किस तरह करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद आप जो ईमेल देंगे उस ईमेल पे आपको जो है ना वो वीज़ा आ जाएगा। दो दिन के अंदर अंदर जो है ना वो वीज़ा ये आपको सबमिट कर देते हैं। उसके बाद उस वीज़े का प्रिंट लेने के बाद जो है ना वो आप टिकट करवाने के बाद वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये वीज़ा 15 दिन का या 30 दिन का होता है, तो आप ये ले सकते हैं। तो ये रही इनकी फ़ीस जो कि $35 है तकरीबन सब वीज़े की, बिज़नेस, टूरिस्ट, ट्रांज़िट वीज़ा। तो ये सब की जो फ़ीस है ये है $35। तो आप देख सकते हैं इन दोनों वेबसाइट का लिंक, इनकी वीज़ा ऑनलाइन वेबसाइट के जो लिंक है वो भी, और इनके जो वीज़ा इंफॉर्मेशन है उनका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो काफ़ी खूबसूरत कंट्री है, अच्छी कंट्री है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।